हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी रसोई क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मशरूम चिल्ली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम काफ़ी आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर टच कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाएँगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। पानी को हमें हल्का गुनगुना करना है। तो पानी अब गर्म हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम ली हूँ, इसे हम गुनगुने पानी में डालकर वॉश करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। गुनगुने पानी से इसे अच्छे से वॉश करने से इसमें जो भी डस्ट होगा वो आसानी से निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ सारा मशरूम को वॉश कर ली हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी निकली है। हम एक बार फिर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके निकालेंगे, क्योंकि इसे अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैं सभी को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। अब हम मशरूम को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, और अगर जो छोटा है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, बड़े को दो टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मैं इसे कट कर ली हूँ। अब हम एक बाउल में 4 चम्मच मैदा लेंगे, और अब 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो अब हमारा गाढ़ा घोल बनके तैयार है। अब हम इसमें मशरूम डालते हैं। मशरूम को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैं कढ़ाई में तेल चढ़ाकर तेल को गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें मशरूम डालते हैं। मशरूम को फ्राई करने के लिए तेल का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। तो एक बार में कढ़ाई में जितना आ सके उतना डाल देते हैं। अब हमें मशरूम को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो 4-5 मिनट के बाद मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया है, यह हल्का ब्राउन हो गया है और सारे बबल्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। साइड में करते हुए निकालें, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और आप चाहें तो इसे निकालकर पेपर टॉवल पर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे निकालकर प्लेट में रख लेते हैं। तो मैं यहाँ सारे मशरूम को प्लेट में निकालकर रख ली हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले रही हूँ। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन ली हूँ। तेल के गर्म होने पर हम इसमें 2 बारीक कटा हरी मिर्च डालेंगे, और 7-8 लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसे कुछ सेकंड सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हमें इसे 10-20 सेकेंड सॉटे कर लेना है। ध्यान रखें, हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो कुछ सेकेंड सॉटे होने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालते हैं, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनीगर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, इसे थोड़े से पानी में घोल लेंगे। अब हम इसमें 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला घोल डालते हैं।
मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से। अब हम यहाँ पर आधा ग्लास पानी डाल रहे हैं, मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ध्यान रखें सॉस में भी नमक रहता है और हम पहले भी नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं तो ध्यान से डालें नमक, मिक्स कर ले सभी को अच्छे से। अब हम इसमें मशरूम डालते हैं। अब हम मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स होने के बाद हमें तुरंत गैस को बंद कर देना है। हमारा मशरूम चिल्ली बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालकर सर्व करते हैं। इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें, गर्मा गर्म ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे ऐसे ही आसान रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।